गौरव भाटिया, भगवान राम के जीवन में बंटवारा तो नहीं था जी, जी भगवान जी, राम के जीवन में छुआछूत तो नहीं थी, देखिए आज महिलाओं के खिलाफ चुप्पी तो नहीं थी, गौरव जी मणिपुर में जैसी घटनाओं पर चुप्पी तो नहीं थी। मैं उत्तर दे जी जी, आप गौरव गौरव भारतीय जनता पार्टी परिवार वाद, क्या भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ा इस देश में कोई परिवारवादी है? भारतीय जनता पार्टी बात करती भ्रष्टाचार की, आप बताइए अमित जी, बाईमानदारी मैं आपसे आपके कार्यक्रम में पूछ रहा हूँ, मैं उत्तर दे दूं, आप दिल में हाथ रखिए, आंख बंद करिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आज की भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचारियों का सरदार कौन है बताइए, किसका चेहरा सामने आ रहा है आपके, ईमानदारी से बताइएगा। अखिलेश यादव का, ये गौरव भाटिया जवाब नहीं, वो जान रहे हैं, अमित जी भी जान रहे हैं और जो मुझको सुन रहे हैं वो सब लोग जान रहे हैं कि आज के समय भारतीय राजनीति में परिवारवादी बीजेपी भ्रष्टाचारी भी, आप कह रहे परिवारवादी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी, और राम के तो आप भी है गौरव जी, देखिए ये राम के भी हैं और कृष्ण के भी हैं, आज सुनील भाई ने अपने पीछे वासुदेव कृष्ण की फोटो लगा रखी है और कह रहे राम के तो हम है ही, हम तो कब राम के ना थे, क्यों बीजेपी को लगता है ये राम के नहीं है, क्यों गृहमंत्री जी को लगता है ये राम के नहीं है? अमीर जी, अभी भगोड़ा पार्टी की प्रवक्ता भाग खड़ी हुई तो एक मन में विचार आया, एक बहुत अच्छी कहावत है, जो आपका विरोधी होता है और कमजोर होता है ना, पहले वो आपकी आलोचना करता है, जब आलोचना से काम नहीं चलता है तो वो आपको गाली देता है, जब गाली देने के बाद भी आप जीत जाते हैं तो वो आपका बहिष्कार करता है, और जब बहिष्कार करके भाग जाता है तो आपकी विचारधारा की जीत हो जाती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता में इतना दमखम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता प्रवक्ता के सामने बैठ के चर्चा भी कर सके। यह दिखाता है कि हम जो बात करते हैं वो कितनी ठोस मजबूत ईमानदारी से करते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने हमें सिखाया है। अब सपा पे आते हैं, समाजवादी पार्टी कह रही थी कि हम सेक्युलर हैं जी, मैं कहूंगा अगर सेक्युलर होना जो आतंकवादी हैं उनका धर्म देख के उनके मुकदमे वापस लेना है तो भगवान किसी को सेक्युलर ना बनाए। अगर सेक्युलर यह है कि 27 साल बाद स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि कारसेवकों पे मैंने गोली चलाई, अगर और चलवानी पड़ती तो मैं वो भी चलवा देता क्योंकि चुनाव थे, तो भैया ऐसा सेक्युलर किसी को ना बनाए। जवाब 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 और जवाब 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 करके शार्प रिप्लाई सुनील यादव का जवाब, बहुत देर सुना देखिए जी जी, नहीं आपने सुना गौरव, गौरव जी आपने सुना, आपने बोला भी, ओके एक 30 सेकंड सुनील यादव रिप्लाई दे दे फिर आपका जवाब, सुनील यादव 30 सेकंड में रिप्लाई, ये सवाल है गोली को चलवाई राम कार सेवक को पढ़ा आपने, मैं तो ये तो नहीं कहूंगा अमित जी कि मेरा किसी भी पार्टी का प्रवक्ता पढ़ा लिखा करे या अध्ययन किया करे, मुझे लगता हर व्यक्ति जो आता है टीवी पर पढ़ लिख करके आंकड़ों के साथ में जो मेरे हाथ में है, देखिए इन्हीं का मेरे समाजवादी गौरव 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 30 सेकंड गौरव 30 सेकंड सोच है कि कह रहे थे मुस्लिम, वो सोच कहां से आई है? उनको मैं आपके कार्यक्रम में गौरव दावे के साथ कह सकता हूँ, गौरव सुनील यादव 30 सेकंड बोल रहे बुद्धिजीवी लोग हैं जो वो जानते हैं कि समाज में अगर सबसे पहला कोई समाजवादी विचारधारा का कोई था तो वो भगवान राम थे, जिन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ी, गरीबी अमीरी के खिलाफ लड़ाई लड़े, और सिर्फ लड़े ही नहीं, सबसे भगवान राम कौन सी विचारधारा के थे, समाज के सबसे कमजोर रिपीट करिए ना ना ये रिपीट करिए, आपने क्या बोला, एक सेकंड क्या बोला, भगवान राम कौन सी विचारधारा के थे? डायन बताते हैं, नहीं नहीं भगवान राम कौन सी विचार से समाजवादी विचारधारा निकली है, हमने ये कहा भगवान राम और समाजवादी विचारधारा, ठीक है भगवान राम के जीवन, जवाब 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 उनके साहब भी वेट कर रहे हैं जी जी, जीवन से समाजवादी गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया रिप्लाई। देखिए अभी अभी सुनील यादव साथी है मेरे, उन्होंने कहा था आंख बंद करो और आंख बंद करके चेहरे बताओ किसका आता है, मैंने आंख बंद करी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन, अखिलेश यादव, फिर आंख बंद करी, सबसे बड़ा तुष्टीकरण करने वाला सांप्रदायिक नेता कौन, फिर से यादव परिवार के नेता और अखिलेश यादव, सबसे बड़ा वंशवादी कौन है, वो भी अखिलेश यादव, और आंख बंद करी 200 रुपए की टोटी किसने चुराई बंगले से सरकारी, वो भी अखिलेश यादव। अरे आंख बंद जनता ने नहीं करी है, जनता की आंखें खुली है, और सीट आई थी 3 लोकसभा में,
क्यों आई थी लोकसभा में 3 सीटें? इसलिए कि जनता जान गई थी कि तुम्हारे मैनिफेस्टो में पंथ निरपेक्षता का मतलब है। और मैं पढ़ देता हूं, कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु 30,000 रुपए के अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। यह संविधान के विपरीत है। ये कैसी पंथ निरपेक्षता है? हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों? सिखों से इतनी नफरत क्यों? पूछता है भारत, उत्तर दे दो आंख बंद करके। सुनील यादव, पॉइंटेड। देखिए अमीश जी, मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप आंख बंद करिए, अंधभक्तों से नहीं किया था। अंधभक्त तो खुली आंखों से भी वही देखते हैं, कूड़ा कबाड़ा जो उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। हम उनसे उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हां, मैं एक बात जरूर कह रहा हूं कि हम किसी भी शब्द की मर्यादा नहीं तोड़ रहे हैं और हम कांग्रेस नहीं हैं। हम डिबेट छोड़ के नहीं जाएंगे। हम समाजवादी लोग हैं। हम जिस भाषा में आप बात करेंगे उसमें ठीक करना हमको आता है और हम कर सकते हैं। ये हम आपको इसी कार्यक्रम में बता रहे हैं, इसलिए शब्दों की मर्यादा बहुत सोच समझ करके बोलिएगा। हम आपके नेता हैं जो अमर्यादित हो, तो हम कृपया करके आप इस कार्यक्रम में और आगे से हमारे नेता के खिलाफ कोई अमर्यादित शब्द मत बोलिएगा। हाँ, जहां तक सवाल समाजवादी विचारधारा का है या भगवान राम का है या आपके एजेंडे का है कि मोहब्बत की दुकान, भगवान राम, समाजवादी विचारधारा और प्यार का दरबार, ये अमीश जी एक ही बात है। नहीं, ये तो आपको सूट कर रहा है, आप बोल रहे हैं के खिलाफ नहीं, नहीं, नहीं थे, तो आप कह रहे कि नहीं थे किसी गरीब के खिलाफ नहीं थे, महिला के खिलाफ नहीं थे, भगवान राम से मुझे एक रिएक्शन लेना पड़ेगा। भ्रष्टाचारियों को गले नहीं लगाते थे, भगवान राम गलत आंकड़े नहीं पेश करते थे, भगवान राम की भी विचारधारा हो गई है। सुभाष्ट्रा कब तक अपनी दुकान? सुनील भाई, अब आपने काफी देर बोला, सुभाष्ट्रा पहली बार बोल रही है और काफी देर से वेट कर रही है अपनी टर्न का। भगवान राम की भी विचारधारा हो गई है और 2014 के बाद से सारी नफरत आने लगी है पूरी देश के अंदर। 1947 का बंटवारा जो हुआ था वो तो प्यार में हो गया था बंटवारा। हाशिमपुरा के जो दंगे हुए थे वो प्यार में हुए थे। मलयाना के जो दंगे हुए थे वो प्यार में हुए थे। मुजफ्फरनगर के दंगे तो बेहद प्यार के लिए हुए थे। और सिखों का नरसंहार तो प्यार की भावना का प्रतीक था इस देश के अंदर। ये सब तो 2014 के बाद ही हुआ है शुरू, उससे पहले तो बिल्कुल मोहब्बत थी देश के अंदर। आपको नहीं लगता ये बात बिल्कुल सही है? आमिश जी, मैं बहुत अम्यूज्ड हूं ये देख करके कि आज भगवान राम की विचारधारा को परिभाषित किया जा रहा है। और अगर मुझे उस जो अभी स्टेटमेंट दिया गया आपके चैनल पे कि भगवान राम की विचारधारा प्यार थी, तो मैं उसी पे एक मिनट अटक करके मैं बात करना चाहती हूं। मुझे नहीं लगता भगवान राम की विचारधारा प्यार मात्र थी। भगवान राम की विचारधारा न्याय थी। और ये न्याय ही था कि अपनी पत्नी, जिनके प्रेम में वो एक पत्नी व्रत रह गए, उस जमाने में राजा कितनी कितनी शादियां किया करते थे, उन्होंने अपनी पत्नी तक को नहीं बख्शा। जब समाज से ये उंगली, उनके चरित्र पर उंगली उठी, तो ये विचारधारा प्रेम की नहीं थी, ये विचारधारा न्याय की विचारधारा थी। और ये जो मोहब्बत के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जैसे जुमले चल रहे हैं, इन लोगों की मोहब्बत इतनी ज्यादा उछल उछल कर सामने आती है कि राहुल गांधी ले जाते हैं। ले जाने के बाद वहां पर बॉर्डर पे सभी, किसी को अगर राहुल गांधी ने लोकेशन बताया हो कि इस लोकेशन में चीन ने एंटर किया है हमारे यहां, वो बता नहीं पा रहे, ना तो उनके कोई भी गुर्गे बता पा रहे हैं। और डिबेट से छोड़ छोड़ करके डिबेट्स उससे उठ करके चले जा रहे हैं, येन केन प्रकरण कोई भी बहाना बना करके। और उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि हम तो, ये तो प्रेम करने वाले लोग जी, जी, जी। कैसी देशभक्ति है ये? कैसा राष्ट्र प्रेम है ये कि आप बॉर्डर स्टेट में जाते हैं, वहां जाकर के फिर आप ऐसी बयानबाजी देते हैं जिससे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का फायदा हो और भारतीय जनता को अपनी सरकार के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति संदेह उत्पन्न हो। जी जी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद कांग्रेस पे जाऊंगा। आप देख रहे हैं आर पार, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं।